बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पॉली लाइन को रिक्वायर्ड डिस्टेंस से ब्रेक करना सीखेंगे। जब भी हम रोड या पाइपलाइन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं तो उन प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ को शो करने के लिए हम पॉली लाइन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ये एक पाइपलाइन का प्लान ओपन कर रखा है। 12 किलोमीटर लॉन्ग मेरी पाइपलाइन है। मैं इस पाइपलाइन की लेंथ लिस्ट कमांड लेते हुए शो कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे इस लॉन्ग पॉली लाइन को अपने रिक्वायर्ड डिस्टेंस पर ब्रेक करना है, तो उसके लिए मैंने एक ऑटो लिस्प यूज़ किया है। मैं अपने इस लिस्प को लोड कर रहा हूँ। लिस्प सक्सेसफुली लोड होने के बाद हम उसकी शॉर्ट की BKS टाइप करेंगे तो हमारा लिस्प एक्टिव हो जाएगा। लिस्प एक्टिव होने के बाद हमें मैसेज रिसीव होता है कि हम अपनी लाइन को सेलेक्ट करें। मैं इस पाइप लाइन की कंप्लीट पॉली लाइन को सेलेक्ट करते हुए कमांड बार के अंदर अपना रिक्वायर्ड डिस्टेंस टाइप कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे इस लाइन को 1100.20 मीटर से ब्रेक करना है, तो मैंने उतना डिस्टेंस टाइप किया है। तो आप देख सकते हैं स्टार्ट पॉइंट से लेकर एग्जैक्ट 1100.20 मीटर से मेरी लाइन ब्रेक हो चुकी है। ब्रेक होने वाली लाइन को सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से लिस्ट कमांड लेते हुए मैं लेंथ आपके सामने शो कर रहा हूँ। लाइन ब्रेक करने के बाद दोबारा से हम एग्जिस्टिंग लाइन के साथ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपनी इस कंप्लीट लाइन को दोबारा से ज्वाइन कर रहा हूँ। ज्वाइन करने के बाद अब मैं दोबारा से अपना रिक्वायर्ड डिस्टेंस टाइप करने के बाद लाइन को ब्रेक करूँगा। दोबारा से ऑटो लिस्प की शार्ट की BKS टाइप करते हुए लिस्प को एक्टिव कर लेना है। मैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐसे ही रेंडमली कोई भी डिस्टेंस टाइप कर रहा हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी पॉली लाइन को रिक्वायर्ड डिस्टेंस से ब्रेक कर सकते हैं। ऑटो लिस्प को यूज़ करते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपकी पॉली लाइन उस साइड से स्टार्ट पॉइंट एज्यूम करेगी जिस साइड से आपने पॉली लाइन को ड्रा करना शुरू किया हुआ होगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।